मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे हम सामाजिक तथ्य कहते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई और वो विद्वान कौन है। जब कभी हम सामाजिक तथ्य की बात करते हैं तो सामाजिक तथ्य के साथ नाम जुड़ा हुआ है इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम जो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हुए और हम उन्हें अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी मानते हैं। जिस समाजशास्त्र की नींव फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट ने 1838 में डाली और उन्हें हम समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कहते हैं, उसी नींव पर जो महल खड़ा किया वो इमाइल दुर्खीम ने किया। यानी समाजशास्त्र रूपी जो महल आज हम देख रहे हैं वो दुर्खीम की ही देन है। इसलिए हम दुर्खीम को समाजशास्त्र का आर्किटेक्ट कहते हैं, जिन्होंने एक भव्य महल समाजशास्त्र का खड़ा किया और उसी महल में जो महत्वपूर्ण अवधारणा उन्होंने दी वो सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य में हम उसकी विशेषताओं, परिभाषाओं की बात करेंगे और जो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई, एक बाह्यता एक्सटीरियरिटी और दूसरा बाध्यता कॉन्स्ट्रेंट, उन दोनों की विस्तृत चर्चा के बाद हम जो इस तथ्य को लेकर आलोचनाएं हुई उन आलोचनाओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सामाजिक तथ्य है क्या। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वालों में फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम सबसे प्रमुख हैं। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के लिए आवश्यक है कि उसकी विषय वस्तु अलग हो। इसके लिए दुर्खीम सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्य की विस्तृत चर्चा की। अर्थात जब हम कभी बात करते हैं सामाजिक तथ्य की तो हम कहते हैं कि दुर्खीम ने इसलिए सामाजिक तथ्य को एक अवधारणा के रूप में विकसित किया कि वह विषय उस समय तक प्रतिष्ठित और स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि उसकी विषय वस्तु विशिष्ट न हो। और इसीलिए दुर्खीम ने कहा कि हम समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं और इस विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए उसकी विषय सामग्री भी विशिष्ट होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इस विशिष्ट सामग्री के रूप में सामाजिक तथ्य की अवधारणा को विकसित किया। दुर्खीम ने जब इन सामाजिक तथ्यों के बारे में बताया तो उसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि दुर्खीम ने चार प्रमुख पुस्तकें लिखी। उसमें एक पुस्तक यह है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य की विस्तृत चर्चा की। इसके साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी और वो पुस्तक थी द सुसाइड, जिसमें आत्महत्या के संबंध में, आत्महत्या के कारण, आत्महत्या के प्रकार इत्यादि पर भी उसने प्रकाश डाला और समझाया कि आत्महत्या क्या है। उनकी एक प्रमुख पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उन्होंने श्रम विभाजन की विस्तृत चर्चा की और कहा कि किस प्रकार से काम का बंटवारा समाज में होता है और कैसे स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। और उनकी चौथी प्रमुख पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उस पुस्तक में उन्होंने धर्म संबंधी विस्तृत व्याख्या की और कहा कि धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है, आत्महत्या भी एक सामाजिक तथ्य है, श्रम विभाजन भी एक सामाजिक तथ्य है। और उसी सामाजिक तथ्य की अवधारणा के साथ उन्होंने आत्महत्या, श्रम विभाजन और धर्म संबंधी स्पष्ट व्याख्या अपनी प्रमुख पुस्तकों में की। तो जब कभी हम सामाजिक तथ्य की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सामाजिक तथ्य है क्या। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। दुर्खीम ने वस्तु शब्द की चार अलग अलग व्याख्या बताई। उसमें पहली जो व्याख्या बताई कि यह सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक विशेष गुण होता है जिन्हें
बाह्य रूप में देखा जा सकता है, यानी वी कैन ऑब्जर्व द थिंग्स, जिसे हम आंखों से निरीक्षण कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य भी एक वस्तु है और हमको सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में ही समझना है, जिसके कुछ गुण होते हैं और उन गुणों को हम निरीक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरी जो बात कही, सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में समझें, तो यह एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे हम लोग धर्म की बात करते हैं तो धर्म दिखाई भले न दे लेकिन हमारे मस्तिष्क में अनुभव है धर्म के संबंध में, तो कहते हैं वो भी एक सामाजिक तथ्य है। इसलिए सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में समझें जिसे कि हम केवल अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। वो कहते हैं सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल निर्भर नहीं है, यानी मस्तिष्क में नहीं है, वो समाज में है, सिर्फ अनुभव, सिर्फ निरीक्षण के द्वारा उसे हम जान सकते हैं। और चौथी वस्तु की जो व्याख्या की कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे केवल बाह्य तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। एक तो उसमें विशेष गुण होते हैं और उन गुणों को हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, तो हमारे मस्तिष्क में अनुभव है, भगवान राम कहते ही हमारे दिमाग में आएगा कि जिसके कंधे पर धनुष लटका हुआ है, उसके पास सीता मैया और उसके पास लक्ष्मण भैया, तीनों का देखते हम कहेंगे ये राम है। जैसे ही मैं कहूँ ये गणेश, हमारे मस्तिष्क में वो विचार तुरंत आ जाएगा कि गणेश का मतलब एक ऐसे बड़े पेट, छोटी आँखें, बड़े बड़े कान, एक सूंड। तो ये जो बाहरी तौर पर दिखाई देता है वो एक वस्तु है, और उसी वस्तु के रूप में हमको सामाजिक तथ्य को समझना है। इन चार के अलावा भी दुर्खीम ने और बहुत सारे वस्तु के उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोटे तौर पर द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उसने इन चार अर्थों में वस्तु को समझाया और कहा कि ये सामाजिक तथ्य वस्तु है। जब सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी तो दुर्खीम ने कहा, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के तरीके हैं जिसमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता है। इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि सामाजिक तथ्यों से कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं व जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। अर्थात जब दुर्खीम सामाजिक तथ्य की ये परिभाषा देते हैं तो दुर्खीम कहते हैं कि मनुष्य के कार्य करने का तरीका, यानी जो कार्य कर रहा है, उसके सोचने का तरीका और उसका अनुभव, ये जो कुछ है ये समाज के बाहर भी है और उसी बाहरी चीज़ को वो अपने मस्तिष्क में अंकित करता है, और अंकित करने के साथ साथ जब वो दिखाई दे रहा है तो बाह्यता हो गई और वही चीज़ उसके मस्तिष्क पर दबाव डालती है तो वो बाध्यता हो जाती है। और इसी आधार पर दुर्खीम ने जब कहा सामाजिक तथ्य तो बाहरी तौर पर दिखाई देता है जिसका अस्तित्व मस्तिष्क पे नहीं है, गुणों को देख सकते हैं और साथ में वो दबाव भी डालता है, मस्तिष्क पर दबाव डालेगा और व्यक्ति के कार्य को स्वतंत्र करने से रोकता है, अर्थात उस पर नियंत्रण भी है। तो ये दोनों बातें उसमें सम्मिलित कर ली गई कि बाह्यता भी आ गई और बाध्यता भी आ गई। दुर्खीम द्वारा दी गई इस परिभाषा से ये निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक तथ्य वस्तुएं हैं, ये मानव के समाज सम्मत व्यवहार करने, क्रिया करने, सोचने, विचारने के तरीके हैं, जनरीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता, रीति रिवाज, जनमत, परंपराएं, प्रचलित विश्वास आदि सामाजिक तथ्य के उदाहरण हैं। दुर्खीम जब सामाजिक तथ्य की जो परिभाषा देते हैं तो वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य को वस्तु के समाज समझना चाहिए और उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वह अनुभव के द्वारा उसका हम मस्तिष्क में सोच विचार रख सकें, देख सकें और वो हमें नियंत्रित भी कर सकें एक विशेष प्रकार का या समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को करने के लिए, क्योंकि हर समाज ये चाहेगा कि उस समाज में रहने वाला व्यक्ति समाज के नियमों, समाज की प्रथाओं,
समाज की परंपराओं या रूढ़ियों का पालन करते हुए समाज की व्यवस्था को बनाए रखे। इसके लिए सामाजिक तथ्य वे सारे वस्तुओं के रूप में हैं जिन्हें हम धर्म कह सकते हैं, प्रथाएं कह सकते हैं, परंपराएं कह सकते हैं, रूढ़ियां कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं, जिन्हें हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। देख भले ही न सकते हों लेकिन अनुभव के द्वारा हम जान सकते हैं और वे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, यानी एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमको बाध्य करते हैं। तो हम कहते हैं ये सारे के सारे तथ्य जो हैं वो सामाजिक तथ्य है। इसलिए सारी वस्तुएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। जब सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने के लिए दो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा भी की। उसमें पहली विशेषता है बाह्यता, एक्सटीरियोरिटी। सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता उसकी बाह्यता है। बाह्यता का अर्थ यह है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु एक बार सामाजिक तथ्य विकसित हो जाने के बाद फिर व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं रहता और वह इस अर्थ में एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जाता है। यह बाह्यता की जब बात दुर्खीम करते हैं तो दुर्खीम कहते हैं कि बाह्यता का मतलब उन सारे तथ्यों या घटनाओं जो बनाता तो मनुष्य ही है, मनुष्य अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से, अपने चिंतन से उन वस्तुओं का निर्माण करता है और कोई भी अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि यह तथ्य मैंने बनाया, उसके पीछे सामूहिकता है। और जब कभी हम सामूहिकता की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम ही दुर्खीम का आता है, कलेक्टिविटी, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिकता, सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना की बात दुर्खीम करता है। और दुर्खीम कहते हैं कि जो भी वस्तु समाज में बनाई जाती है उसके पीछे सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, सामूहिक प्रतिनिधान है और वह सामूहिक चेतना का ही परिणाम है। तो ये सारी प्रथाएं या परंपराएं या रूढ़ियां या धर्म या विश्वास जो बनाए गए हैं वो व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उसके पीछे सोशल सैंक्शन है, सामाजिक अभिन्नति है और इसी कारण उसके पीछे एक शक्ति है और शक्ति के कारण ही वो व्यक्ति पर दबाव डालती है। तो इसको हम अनुभव के द्वारा देख सकते हैं, अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में वह अस्तित्व के रूप में विद्यमान होती है, दो कि वह समाज के बाहर भी है। इसलिए वो बाह्यता की बात करते हैं कि मनुष्य बनाता है। तो सामाजिक तथ्य की जब बाह्यता को समझाने के लिए दुर्खीम प्रयास करते हैं तो वह दो प्रकार से इसको समझाते हैं, एक व्यक्तिगत चेतना और दूसरा सामूहिक चेतना। यानी व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति विशेष की चेतना, इंडिविजुअल अवेयरनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आया, यह व्यक्तिगत चेतना का परिणाम है। और जब वह व्यक्तिगत विचार दूसरे के साथ वह शेयर करे और दूसरा व्यक्ति उस विचार से जुड़ जाए तो वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का विचार बन गया और उससे जो एक नई चेतना विकसित हुई उसको वह सामूहिक चेतना कहते हैं। जब व्यक्तिगत चेतना की बात करते हैं तो व्यक्तिगत चेतना का मूल आधार संवेदनाएं हैं और संवेदनाएं विभिन्न स्नायु कोशों की अंतर्क्रिया का ही प्रतिफल है। दुर्खीम का मत है कि सम्मिश्रण एवं संयोग से तत्वों की संरचना में परिवर्तन आता है। यानी वो कहते हैं कि ये विचार आता कहाँ से है, व्यक्तिगत विचार जिसको व्यक्तिगत चेतना कहते हैं दुर्खीम, वो विचार कहाँ से आता है, वो व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है और मस्तिष्क में हमारे बहुत सारे स्नायु तंत्र हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स में स्टिमुलेशन होता है, संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं। जब एक तत्व दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करता है या जुड़ता है तो उसमें एक संवेदना उत्पन्न होती है, स्टिमुलेशन, और उस स्टिमुलेशन को हम कहते हैं वो विचार के रूप में प्रतिफल देता है या दिखाई देता है, हम कहते हैं व्यक्तिगत मस्तिष्क की उपज है। और ये बात उसने दो शब्दों से, सिंथेसिस और स्यू जेनरेसिस से समझाया है। सिंथेसिस मिलना,
दो चीज़ों का मिलना और स्यूजेनेरेसिस नई चीज़ का पैदा होना, जब दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे हम उदाहरण दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के अलग अलग गुण हैं लेकिन दोनों मिलते हैं तो H2O पानी बनता है। उस पानी में न तो हाइड्रोजन के गुण हैं और न ऑक्सीजन के गुण, एक नई चीज़ जो निर्मित हुई। उसी प्रकार दो व्यक्तियों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है, या हमारे मस्तिष्क में जो स्नायु तंत्र में विचार उत्पन्न होते, वो आपस में मिलते हैं, सम्मिश्रण होता है उनका, वो सिंथेसिस है। और उस मिश्रण से एक नई चीज़ उत्पन्न होती है जिसे हम स्यूजेनेरेसिस कहते हैं। तो वह विचार व्यक्तिगत विचार है और वह प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति विशेष का, इसलिए उसे व्यक्तिगत चेतना कहा है। लेकिन वही व्यक्तिगत चेतना जब दूसरे व्यक्ति के साथ सहभागी होती है तो सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। और उस सामूहिक चेतना में दुर्खिम कहते हैं कि व्यक्ति के विचार दुर्खिम के अनुसार वैयक्तिक चेतना है, और जब व्यक्ति भाषा के द्वारा व्यक्तिगत चेतना या विचार को दूसरे लोगों तक पहुँचाता है, दूसरों के वैयक्तिक विचारों को सुनता है, वह उस तरह एक दूसरे से विचारों का प्रसार व सहयोग एक नई चेतना को जन्म देता है, जिसे दुर्खिम सामूहिक चेतना कहते हैं। इस सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर होती है, यानी जब वो सामूहिक चेतना की बात करते हैं तो दुर्खिम कहते हैं एक व्यक्ति का विचार इसी तरह का विचार दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है, एक विचार तीसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है, एक व्यक्ति चौथे व्यक्ति के मस्तिष्क, यानी अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्क में अलग अलग विचार आते हैं, वो विचार एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, यानी प्रसार होता है, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित होते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार तीसरे तक प्रसारित, यानी विचारों का प्रसारण होता है, डिफ्यूज़न होता है, और वो आपस में मिलते हैं, उनमें सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है, संघर्ष भी होती है, ये सब के कारण एक नया विचार उत्पन्न होता है, और उस नए विचार को वह सामूहिक विचार कहते हैं, और वह जो चेतना विकसित होती है उसे सामूहिक चेतना कहते हैं। इस तरह व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना का निर्माण होता है, जो व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक एक अलग अस्तित्व रखती है। यानी जब वो सामूहिक चेतना विकसित होती है, अनेक मस्तिष्क का परिणाम है, अनेक व्यक्तियों के अंतरक्रिया का परिणाम है, तो वो सामूहिक चेतना, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का ही गुण नहीं है, बल्कि वो एक नया विचार एक नए गुण को प्रकट करता है, और वो नया गुण ही सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और वह चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना कहते हैं। दुर्खिम ने व्यक्तिगत व सामूहिक चेतना से संबंधित चार युक्तियों को विस्तृत व्याख्या करते हुए समझाया। पहला, व्यक्तिगत या वैयक्तिक मस्तिष्क एवं सामूहिक मस्तिष्क की अवस्थाओं में भिन्नता होती है, यानी मस्तिष्क तो व्यक्ति का है, एक व्यक्ति का मस्तिष्क दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क, दोनों अलग अलग सोचते हैं, दोनों में चिंतन की स्थिति अलग अलग है, दोनों के स्नायु तंत्र अलग अलग है, और वो जब दोनों मिलते हैं तो सामूहिक मस्तिष्क बनता है, और सामूहिक मस्तिष्क में जो विचार आता है वो व्यक्तिगत विचार से अलग होता है, इसलिए वो कहते हैं वैयक्तिक मस्तिष्क एवं सामूहिक मस्तिष्क की अवस्थाओं में भिन्नता होती है। सब दोनों के पर्यावरण अलग हैं, दोनों की संस्कृति अलग है, दोनों के स्नायु तंत्र अलग हैं, दोनों की हेरिडिटी अलग है, तो ये सब अलग होने से उनका मस्तिष्क भी अलग होता है। फिर वो कहते हैं वैयक्तिक व सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति की मनोभाव व व्यवहारों में भी भिन्नता आती है, यानी एक व्यक्ति जब अकेला बैठकर सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसकी स्थिति अलग होती है, और जब वो सामूहिक मस्तिष्क में जुड़ता है तो उसका सोच अलग हो जाता है। जैसे हम कई बार देखते हैं रोड पर या सड़क पर भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ भीड़ पर सामूहिक मस्तिष्क का प्रभाव है, और उसमें व्यक्ति की जो क्रिया है वो व्यक्तिगत क्रिया न होकर सामूहिक क्रिया हो जाती है। जैसे अकेला व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता कि मारपीट करें, लेकिन जब सड़क पर देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ मारपीट कर रहा है, तो वो मस्तिष्क भी उससे जुड़ जाता है, और जुड़कर वो भी उसके साथ हाथापाई की स्थिति पैदा करता है। हम कहते हैं ये सामूहिक मस्तिष्क का परिणाम है, यानी भीड़ तंत्र जिसे कहते हैं, भीड़ में एक अलग प्रकार का विचार आता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो भिन्नता है वो व्यक्तिगत मस्तिष्क से सामूहिक मस्तिष्क, व्यक्तिगत अवस्था से सामूहिक अवस्था में भिन्नता है। तीसरी बात वो कहते हैं सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानता।
इस बात को समझाने के लिए दुर्खीम ने आत्महत्या की भी चर्चा की। दुर्खीम ने जब आत्महत्या की बात की तो दुर्खीम से पहले तक ये विचार समाज में प्रचलित था कि आत्महत्या पागल व्यक्ति करते हैं। और जब दुर्खीम वो व्यक्ति थे जिन्होंने एम्पिरिकल स्टडी की, अनुभवात्मक अध्ययन किया और तथ्यों का संकलन करके, उन्होंने पागलखानों से तथ्यों का संकलन किया, समाज से तथ्यों का संकलन किया और जो बात कही तो कहा कि आत्महत्या पागल नहीं, स्वस्थ मस्तिष्क की उपज है। तो समाज के लोगों ने कहा दुर्खीम पागल हो गए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे क्योंकि उन्होंने तथ्यों के आधार पर बात कही। और तथ्यों के आधार पर जो बात कही तो उन्होंने कहा आत्महत्या लगभग हर समाज में एक समान दर से बढ़ती है, यानी उसका जो रेट है वो रेट लगभग समान होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए, बहुत अचानक परिवर्तन आ जाए, उसकी रेट लगभग समान रहते। द रेट ऑफ सुसाइड रिमेन्स द सेम टू ऑल सोसाइटीज, सभी समाजों में आत्महत्या की दर एक समान रहती है। इसलिए कहते हैं सामाजिक घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो सभी समाजों में लगभग एक समान होते हैं। और इसी को वो तीसरी विशेषता के रूप में लेते हैं कि सामाजिक घटनाओं के आंकड़ों की समानता है, यानी उसमें रेट इज सिमिलर। और फिर वो कहते हैं प्राणी शास्त्रीय समानता, प्राणी शास्त्रीय बायोलॉजिकल, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो सावयवी है, वो हमको जन्म के साथ मिलता है और उस सावयवी में हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क भी सावयव का जो अंग है उसमें सोचने समझने की शक्ति है और वो सब में है। जो भी मनुष्य पैदा हुआ है स्वस्थ, उसमें सोचने समझने की शक्ति है और उसी समझने और सोचने की शक्ति से उसके विचार उत्पन्न होते हैं और वो विचार व्यक्तिगत विचार हैं जो वैयक्तिक चेतना पैदा करते हैं और वही वैयक्तिक चेतना दूसरे प्राणी शास्त्रीय व्यक्ति के साथ अंतर्क्रिया करते हुए सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं। इस तरह व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना दोनों से उसने सामाजिक तथ्य को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरी जो विशेषता बताई सामाजिक तथ्य की दुर्खीम ने वो है बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता उसकी बाध्यता है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं, यानी ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। जब व्यक्ति समाज के बनाए गए नियमों के विरुद्ध आचरण करने की सोचता है तब उसे यह अनुभव होता है कि कोई सामाजिक तथ्य जैसे मूल्य, परंपराएँ, सामाजिक नियम, प्रथाएँ आदि उसके बाहर मौजूद हैं और उसे वे विपरीत आचरण करने से रोक रहे हैं। इसी को दुर्खीम सामाजिक तथ्य की बाध्यता कहते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का पालन करने के लिए न चाहते हुए भी मजबूर होता है, यानी विवश होता है। जब दुर्खीम बाह्यता के साथ दूसरी विशेषता बाध्यता बताते हैं तो बाध्यता का सीधा अर्थ है कि दबाव, व्यक्ति पर दबाव। सामाजिक तथ्य वह वस्तु है जो व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर है, जो समाज में है, समाज में जिसका अस्तित्व है, जिसे हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, वह हम पर एक दबाव डालती है और वह दबाव ही बाध्यता है। क्योंकि व्यक्ति के स्वतंत्र जो विचार हैं वो स्वच्छंद रहने की स्थिति में है, यानी वो चाहता है कि वो स्वच्छंद रहे, वो स्वतंत्र रहे। और अगर हम उसको स्वतंत्र छोड़ दें समाज में तो समाज में वो अपने मन चाहे व्यवहार से, अपने आचरण से समाज में कई बार उस तरह की स्थिति पैदा कर देगा कि समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा और समाज एक लड़ाई झगड़े का मैदान बन जाएगा। इसीलिए ये सामाजिक तथ्य जो वस्तु है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार पर नियंत्रण रखता है। और इसमें हम कहते हैं धर्म, प्रथाएँ, परंपराएं, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, ये सब किसे वे वस्तुएं हैं जिनको हम अनुभव से जान सकते हैं तो बाह्यता लिए हुए हैं। जब हम उसको अनुभव से समझ सकते हैं तो हम कहते हैं वो बाह्यता है, लेकिन उस बाह्यता के साथ उन चीज़ों में यानी उन वस्तुओं में एक बाध्यता का भी गुण है। और वो बाध्यता का गुण ये है कि वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। जैसे हम धर्म की बात करें और दुर्खीम ने इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में, वो कहते हैं कि धर्म भी सामूहिक प्रतिनिधान है और वो सामाजिक तथ्य है।
क्योंकि उसमें बाह्यता के साथ साथ बाध्यता भी है, और वह इस रूप में है कि धर्म हमको बाध्य करता है एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए। आज हम हिंदू समाज की बात करें तो हमारे हिंदू समाज में धर्म एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए हमको विवश करता है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, रिलीजन इज ओपियम फॉर मैन, क्योंकि अफीम की नशे की तरह से व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक नशा जो प्रभाव डालता है वो धर्म का है। जैसे मैं अगर धर्म के विपरीत आचरण करने की सोचूं तो समाज क्या कहेगा कि इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, और वो प्रतिफल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म मिलेगा, और वो पुनर्जन्म के रूप में कोई निम्न योनि में प्रवेश मिलेगा, कई प्रकार के अगर मानव जीवन में प्रवेश मिला तो बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे, ऊपर जाकर नरक में जाना पड़ेगा, नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। ये सारा भय दिखाकर हमारे मस्तिष्क पर एक दबाव डालता है धर्म, और कहता है कि यही आचरण करो जो धर्म के अनुकूल है, क्योंकि धर्म का जो विकास हुआ है वो सामूहिक मस्तिष्क का परिणाम है। अनेक व्यक्तियों की सोच ने इस धर्म को, इसके साथ प्रथाएं और परंपराओं को भी हम सामाजिक तथ्य माने, क्योंकि प्रथाएं और परंपराओं के पीछे भी सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो प्रतिफल है कि मैं अगर परंपरा के विपरीत आचरण करना चाहूं तो भी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि समाज में मेरी निंदा होगी, समाज में मेरे ऊपर उंगली उठाई जाएगी, समाज मेरे बारे में ऐसी बातें करेगा जो मुझे पीड़ा देगी, इसलिए मैं न चाहते हुए भी प्रथाओं और परंपराओं के विपरीत आचरण करने की नहीं सोचता हूँ। इसी तरह हमारा विश्वास भी है, हमारे मूल्य भी हैं, इन सब में बाह्यता के साथ साथ बाध्यता भी है जो हमारे स्वच्छंद और स्वतंत्र व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक और सामूहिक प्रतिनिधान से ये सामाजिक तथ्य बनते हैं, इसलिए उनमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना और सामूहिक चेतना के हम अनुभव से बाह्यता और उस अनुभव में बाध्यता है तो वह हमको विवश करती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आपस में जुड़कर एक सामाजिक तथ्य का निर्माण करती हैं जो हमको एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए विवश करती हैं। दुर्खिम ने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा को विकसित किया उसकी बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना भी की। उन आलोचनाओं में सबसे पहली आलोचना, दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य को वस्तु के समान समझना चाहिए और इस वस्तु को मानवीय अंतर्क्रिया से परे माना है, लेकिन टॉर्ड कहते हैं कि मैं ये स्वीकार करता हूँ तथा मेरे लिए समझना अत्यंत कठिन है कि व्यक्तियों को निकालने के बाद समाज किसी विशेष प्रकार शेष रह सकता है। इसी प्रकार की एक आलोचना, दुर्खिम का एक दृष्टिकोण यह भी था कि सामाजिक तथ्य को बाहरी तौर पर देखकर जाना जा सकता है, यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। यद्यपि यह सही है कि निरीक्षण द्वारा ही परिणाम यथार्थ होते हैं, परंतु कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें निरीक्षण के द्वारा नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन्हें तर्क या परिष्कृत सामान्य बुद्धि से समझा जा सकता है। सोरोकिन ने भी दुर्खिम के इस अवधारणा की आलोचना की। उन्होंने दो विशेषताओं, बाह्यता व बाध्यता के संबंध में कहा कि कुछ विशेष समस्याओं के लिए तो ये उपयुक्त हैं, लेकिन सभी प्रकार के सामाजिक तथ्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हैरी एल्मर बार्स ने दुर्खिम के इस अवधारणा की बाध्यता की आलोचना करते हुए कहते हैं कि दुर्खिम ने जरूरत से ज़्यादा बाध्यता पर जोर दिया है, जबकि कई बार व्यक्ति बहुत से कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं न कि किसी बाध्य साथ। रेमंड एरा ने भी दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की बाध्यता की आलोचना की और कहा कि कई बार तो यह समझने में भी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है कि क्या केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं का सार तत्व है। यानी ये जो सारी आलोचनाएं की वो अपने आप में महत्वपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बाद भी सामाजिक तथ्य का अपना महत्व कम नहीं होता। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्य की विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, हालांकि कुछ विद्वानों ने उनकी आलोचनाएँ भी की। इसका मतलब ये नहीं कि दुर्खिम ने यह अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग इसे आलोचित करें या उसकी आलोचना करें, यह अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है कि दुर्खिम ने इस एक अवधारणा से सामाजिक एकता, श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या आदि घटनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या की। तो ये मैं जो आपको सामाजिक तथ्य के बारे में बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्खिम की ये जो महत्वपूर्ण अवधारणा है
इसे आप समझे होंगे कि ये सामाजिक तथ्य कितना महत्वपूर्ण है अन्य अनेक अवधारणाओं को विकसित करने के लिए। इसलिए हम यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक अवधारणाओं का गुच्छा है जिसने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया है।